स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 12th केमिस्ट्री में कल की होने वाली परीक्षा में ये दो क्वेश्चन बताते हैं। ये यहाँ पर है कि एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाओगे, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाओगे। अगर आपको परीक्षा में कोई क्वेश्चन यदि नहीं आता है, पहले तो आप ये प्रयास करिए कि जो क्वेश्चन आपको आता है, सबसे पहले उन क्वेश्चनों को साफ साफ अक्षरों में राइटिंग बनाकर लिखना है। मान लीजिए क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपके पेपर में हैं और 30 क्वेश्चन में अगर आपको मात्र 15 क्वेश्चन आते हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को बिल्कुल राइटिंग बना के सबसे पहले लिखिए। और जो शेष क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो करना क्या है, छोड़कर क्वेश्चन को नहीं आना है। तो करना क्या है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आप पढ़कर घर से गए हैं, वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो करेंगे क्या, जो क्वेश्चन आप पढ़कर गए हैं पेपर में नहीं आया है, तो वो क्वेश्चन केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन आप आंसर नंबर डाल दीजिए। जैसे आपको आंसर लिखना है, यहाँ पर आंसर नंबर मान लीजिए आपका आंसर नंबर 5 का काखंड नहीं आता है, आंसर नंबर पांच का काखंड नहीं आता है, तो आपको जो क्वेश्चन केमिस्ट्री से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको याद है तो इस प्रश्न में लिख देना है। इसी प्रकार और जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो केमिस्ट्री से संबंधित ही क्वेश्चन नंबर डालकर आपको लिख देना है। 4 नंबर का होगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह आप इस ट्रिक को अपनाइए और अच्छे से अच्छे नंबर आपको मिलेंगे पेपर में। तो सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाओगे। तो एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और 433 से 443 केल्विन ताप पर गर्म करने पर एथिलीन बन जाता है। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाओगे। क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर बेंजीन बन जाता है। तो इस तरह आप जाइए एग्जाम में और जो क्वेश्चन आता है उसको आप पहले करिए, जो नहीं आता है आंसर नंबर डाल दीजिए। केमिस्ट्री से, ये नहीं आप केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं तो हिंदी लिख कर आए, ऐसे में नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, तो जो केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न याद हैं उनको आप लिख कर आइए। इस ट्रिक को अपनाइए और बेहतर नंबर आप पाइए बोर्ड में। धन्यवाद।